हेलो एवरीवन, दिस वीडियो रिगार्डिंग द आईआईएसटी एडमिशन प्रोसेस सेशन 2022। जैसा कि आप देख सकते हैं वेबसाइट पे आईआईएसटी के एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। स्पेशली जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया है प्रेजेंट टाइम ओनली एंड ओनली फॉर पीजी एप्लीकेशन फॉर्म, सो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या सारा सीन होने वाला है, कैसे एडमिशन होगा, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। सो गाइस, ये जो है आईआईएसटी का एडमिशन पोर्टल है iiest.ac.in/admission/, दो ऑप्शन आप लोगों के पास, एक अंडर ग्रेजुएट है एंड पोस्ट ग्रेजुएट है। ओके, सो आप जस्ट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाते हैं, देन आपके पास ये जो ऑप्शन शो होता है कि जस्ट एडमिशन स्टार्टेड इन ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। सो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर जो एप्लीकेशन है वो 30 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, सुबह 10 बजे से लेके 26 मई तक जो है आपका इसका लास्ट डेट दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने का। अब जो है इसका नोटिफिकेशन जो है सेपरेट रिलीज किया गया है कि कौन कौन सा कोर्सेस है और जैसे आप कौन से कोर्स में जस्ट इंटरव्यू होगा, कौन से कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन होगा और क्या फीस रहने वाली है इन सारे कोर्सेस की। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस, ये सिंपल जो है नोटिफिकेशन दिया गया है जिसके अंदर ये डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। सो यार, जो भी लोग एरोस्पेस के स्टूडेंट्स हैं और गेट के अंदर एडमिशन ले रहे हैं आईएमए एरोस्पेस स्टूडेंट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, सो यार जस्ट यू कैन कोलेबरेट मी इन स्पेशली इन एरोस्पेस प्रोजेक्ट। सो मेरे को बहुत ही कम समझ आ रहा है ये, और आई वॉन्ट टू बिकम ए हायर, मुझे भी चांद पे जाना है। तो कोई भी जस्ट आईएएसटी वगैरह में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज वेरी गुड इन एरोस्पेस। सो यार जस्ट मेरा जो है नीचे मैं पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर लेना एंड आई विल पे यू योर फीस। और अगर आप भी इसमें कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई रिसर्च पे कोई बुक लिख रहे हैं, आपके पास इसका कोई अच्छा नॉलेज है, देन यू विल बी कॉन्टेक्ट मी, मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ, देन आप भी मेरी पूरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हम जो है सेपरेट एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं एरोस्पेस के रिगार्डिंग, बिकॉज ओनली एंड ओनली 2 से 3 कोचिंग्स आर अवेलेबल रिगार्डिंग द गेट एरोस्पेस इन इंडिया। सो यार, अब देख लेते हैं अपन क्या सारा सिस्टम है। जस्ट लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग गेट सिलेक्शन, 3 ऑप्शन हमारे पास है, थर्मल एंड प्रोपल्शन, एरोडायनेमिक्स और स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। देन जो कोड दिया गया है, एवियोनिक्स सिलेक्शन बेस्ड, गेट स्कोर ओनली, माइक्रोवेव एंड आरएफ। एंड यार आप ये जरूर पढ़ ले कि कौन कौन सी जो है अवेलेबल है इसमें, एलिजिबिलिटी है ये। ओके, जैसा कि इसमें दे रखा है क्वालिफिकेशन कौन कौन सी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जैसे एरोस्पेस हो सकती है, एरोनॉटिकल, मैकेनिकल और केमिकल। अब जो ये जो दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस, यानी कि जो आपने जो गेट दिया है वो एरोस्पेस में ही देना होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल से हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से हैं, तो भी अगर आपने एरोस्पेस से गेट दिया है और आपने इन इन ब्रांचेस में कर रखी है डिग्री, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। ए वैलिड गेट स्कोर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, ओके, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस टाइप। सेम फंडा है इनके लिए भी। जैसे हम नीचे बढ़ते हैं, आगे जैसे हम जाते हैं, देन जो है ये तो सेम चल रहा है। अब जो ये जो कोर्सेज दे रखे, जैसे मैथमेटिक्स सिलेक्शन बेस्ड गेट स्कोर, इसके अंदर जो है इंटरव्यू भी होगा, जैसे कि मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर है, कंप्यूटिंग जो है इसमें इंटरव्यू होगा, इसमें डायरेक्ट गेट के बेसिस पे नहीं होने वाला है। गेट का स्कोर तो होगा जो होगा, इंटरव्यू भी लिया जाएगा, जैसे कि ये कुछ कुछ कोर्सेस दिए गए हैं, तो जस्ट आप इसके लिए भी प्रिपेयर करते रहे। देन जस्ट ये इसमें भी इंटरव्यू होगा, केमिस्ट्री सिलेक्शन बेस्ड ऑन गेट एरोस्पेस। एंड देन आगे अगर बढ़ते हैं, देन फिजिक्स में भी जस्ट डायरेक्ट एडमिशन होगा, एंड जस्ट आई मीन जो है गेट के थ्रू, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। और जस्ट अर्थ एंड स्पेस साइंस सिलेक्शन बेस्ड एंड गेट स्कोर जस्ट लाइक एंड इंटरव्यू। एंड जस्ट यार, जो भी एरोस्पेस कर रहे हैं, किन किन लोगों का चांद पे जाना का सपना है, जस्ट वो मुझे कमेंट में बताए कि भैया मुझे चांद पे जाना है, कौन कौन है जो चांद पे जाना चाहता है। ओके, एंड जस्ट ये क्वालिफिकेशंस दी गई है, जैसे कि 32 साल एज रिलैक्सेशन, और जस्ट 5 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 ईयर्स का एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स। अगर अपन क्वालिफिकेशन की बात करें, देन 60% मार्क्स, और सीजीपी की अगर अपन बात करें तो 6.50 आउट ऑफ 10,
एंड 55% यानी कि 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को, और सीजीपीए 6 मेंटेन होने चाहिए, ए वैलिड स्कोर इन गेट एंड जस्ट ओके। अब हम बात कर लेते हैं यार फीस की। यार यहाँ की जो फीस है, फीस इज वेरी नॉर्मल, जस्ट लाइक देख सकते हो यहाँ पे ट्यूशन फीस 65,000 एंड सेमेस्टर फीस इतनी है ही, टोटल जो फीस हो गई 40,450 रुपए, हॉस्टल फीस 87,50 रुपए, एडमिशन फीस नॉन रिफंडेबल 1,500 रुपए, रिफंडेबल है वन टाइम चार्ज, ट्यूशन फीस ये आप जब कंप्लीट कर लेंगे 2 साल का डिग्री आपका, देन आपको रिफंड हो जाएगा। देन जो है टोटल आपका जो फीस हो गया वो है ये जितना भी है ओके, और जस्ट जो है मेस बिल इन एडवांस आपको देना पड़ेगा 18,000 रुपए, ठीक है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट कुछ यहाँ पे कंडीशंस दी गई, जैसे कि कैंडिडेट वो कंफर्म द सीट हैज टू रिमिट द फीस ऑफ 14,200 रुपए, सीट एक्सेप्टेंस फीस, अदर फीस प्लस हॉस्टल फीस ओके, बैलेंस विल बी कलेक्टेड एट लेटर डेट विच विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल, और तो क्या इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ आपको अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, या फिर ईमेल भी डाल सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अप्लीकेशन फीस जो है 600 रुपये है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड मेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है मेल एंड फीमेल, देन उनके लिए जो है टोटली जो सारे के सारे फीमेल है उनके लिए तो आई थिंक 300 ही होना चाहिए, और जो कैटेगरी वाइज ये देख सकते हो इसमें कोई इशू नहीं है। द एप्लीकेशन फीस शैल बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ये तो सभी को पता ही होता है, एंड फॉर द एमटेक प्रोग्राम ऑफर्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग अवियोनिक्स एंड फिजिक्स कैंडिडेट विल बी रैंक लिस्टेड बेस्ड ओनली द वैलिड गेट स्कोर, एंड एडमिशन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द रैंक आईएएसटी एंड अवेलेबल नंबर ऑफ वैकेंसी एंड प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट, द शॉर्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन गेट स्कोर फॉर द अदर एमटेक मास्टर साइंस प्रोग्राम, एंड जो है डिस्प्ले ऑन 7 जून 2022, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट में डाउनलोड देयर ऑनलाइन इंटरव्यू कॉल लेटर फ्रॉम द पोर्टल, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि जस्ट जो भी वेबसाइट के थ्रू आपका लिया जाएगा, गूगल मीट या फिर जूम जो भी हो, ए प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन गेट एरोस्पेस, एंड जस्ट जो है आफ्टर द प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट इज पब्लिश द कैंडिडेट हैज टू रिमिट द सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ द 14,200 थ्रू ऑनलाइन ई पे ओके। और क्या दिया गया है, रीवैलिडेट जो प्रोसेस आपका जो होगा वो जस्ट 3 से 4 राउंड कंडक्ट किए जाएंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी गई है यार इनको जरूर पढ़िया। स्टूडेंट वो है कंप्लीटेड देयर क्वालिफाइड डिग्री 2021/22, हैव टू प्रोड्यूस ऑल द सर्टिफिकेट एंड टीसी एंड ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एमटेक स्टूडेंट विद वैलिड गेट स्कोर विल रिसीव स्कॉलरशिप थ्रू AICTE, एंड फॉर द स्टूडेंट्स एडमिट फॉर ए मास्टर साइंस प्रोग्राम द स्कॉलरशिप विल बी पेड बाई IIST, गुड। द रिफंड ऑफ फीस विल बी यूज्ड ऑन UGC गाइडलाइन, एंड जस्ट जो है ओपनिंग ऑफ IIST वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेशन जस्ट 30 अप्रैल से हो गया है, एंड जो है 26 मई को है, एंड जो है डिस्प्ले ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 7 जून को, एंड जो है डिस्प्ले ऑफ शॉर्टलिस्ट रैंक लिस्ट PG प्रोग्राम विच बेस्ड ऑन गेट स्कोर 8 जून को, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 7 जून को, 8 जून को सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, देन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग दे रखा है ओके गाइस। यार इसमें ना राउंड भी चलते हैं बहुत सारे, तो जस्ट आप उसका भी ध्यान रखो, अगर आपका फर्स्ट में नहीं होता है देन घबराए नहीं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते भी नहीं है बाहर चले जाते हैं, तो क्या होता है उनकी सीट बाद में दे दी जाती है, जैसे फर्स्ट रिवैलिडेशन जो है 27 जून को होगा, सेकेंड रिवैलिडेशन July 18 को होगा, थर्ड रिवैलिडेशन August 1 को होगा, तो यार बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं देन यू आर एंड जस्ट मैं अभी एक वीडियो डालने वाला हूँ कि यार गेट के अंदर जो है कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे IIST के लिए, कितने मार्क्स जरूरी है, तो जस्ट वो भी आप वॉच करते रहे, और जस्ट यार एरोस्पेस वाले बच्चे मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, बिकॉज आई एम एरोस्पेस स्टूडेंट और मेरी भी कुछ हेल्प कर दो, ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, ये पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसे चलता रहेगा, और जस्ट यार फोड़ दो और चांद पे जाओ, और क्या करना है, ठीक है, अर्थ पे मरने में क्या ही मजा, समझे, तो चांद पर जाओ IIST वाले, खूब पढ़ाई करो, धन्यवाद।